जिसकी शादी हो रही है दूल्हा दुल्हन का, और कोई उस फोटो को यूं फाड़े तो घर की मावी के दे अभी शादी भी नहीं हुई, मत फाड़ो रे बापड़ा उनका, मत फाड़ो। और भगवान का फोटो कहीं का फाड़ दे तो कुछ नहीं, बोले अम्मा भी अब ठीक है ठंडा करने में दर्द हो। इसलिए निवेदन आपसे, शिवलिंग छोटा सा छोटा है तो वो भी सुख दे रहा है, शिवलिंग जितना बड़ा है वो भी सुख दे रहा है, पर आप जिस भजन में लगे हो, कड़प ने ये नहीं जाना कि शिवलिंग है, बस उसको दिख गया ओट लेके ऊपर भगवान शंकर रखे हैं और शिव महापुराण की कथा कर रही है। कड़प ने केवल वो शिवलिंग का दर्शन किया और शिवलिंग का दर्शन कर उसके मन में आया इस जंगल में, वीरान जंगल में मेरा महादेव कब से बैठा हुआ है, इसकी पूजन कोई नहीं करता है, मैं इसकी पूजन करूंगा। अब देखो क्या प्रसाद ला रहा। कड़प गया और कड़प ने जाकर भगवान शिव के लिए पानी लेकर आ रहा था तो सोचा बर्तन भी तो नहीं है, बर्तन भी नहीं। ये विश्वास, ये भरोसा, हमें बड़ा दुख होता है जब किसी के घर में जाते हैं और कोई कहता है गुरुजी मेरे घर में भगवान का मंदिर भी बना है। आप लोग भी कई बार किसी को कह दिए होंगे हमारे घर में भगवान का छोटा सा मंदिर है गुरुजी। तुम्हें कहना क्या था कि भगवान के घर में हमारा घर है गुरुजी। हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का घर है गुरुजी। अब तुम्हारे घर में अगर भगवान का घर है तो कुछ भी परेशानी आए तुम झेलो, और अगर भगवान के घर में तुम्हारा घर है तो परेशानी आए तो भोलेनाथ झेले। अंतर देखिए कितना है।